स्टूडेंट्स अमिताभ सर हियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गाइडेंस हीरापुर। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में अपना सीबीएसई या आईएससी बोर्ड्स एग्जाम में अपियर होंगे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन इस पूरे साल में करोगे ताकि आपको एटलीस्ट 95% मार्क्स अकाउंटेंसी में आए, ठीक है ना। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ये बहुत बेहतर होगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठो और मेरे सारे पॉइंट्स को एक एक करके आप नोट करो। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो प्रिपरेशन है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ मार्च या फिर कहें मिडल ऑफ मार्च से फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो जाना चाहिए। और आप किस तरह से इसका प्रिपरेशन करेंगे, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए, and that plan should be very clear। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अपने बोर्ड्स के लिए करेंगे। देखिए, तीन चार साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आता है कि अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन है आजकल सीबीएसई हो या आईएससी हो, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज के डेट में पूछने लगा है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि भाई कोई भी चैप्टर मैं अकाउंटेंसी में पढ़ूंगा तो उसका फुल कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए, और फुल कंसेप्ट जो है उसके लिए आपको करना क्या है। नंबर वन आपको ये करना है कि अपने टेक्स्ट बुक का या रेफरेंस बुक जो भी आपके पास है, आप पूरे रेफरेंस बुक का जो थियोरी पार्ट है अकाउंट, हर एक चैप्टर का जो थियोरी पार्ट है उसको बहुत अच्छे से आप रीड करोगे, समझोगे, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करोगे, जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आता आप अपने ट्यूटर से पूछोगे, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछोगे, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नंबर वन। और ये हम हर चैप्टर के लिए करेंगे, हर एक चैप्टर का जो थियोरी पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से हम करेंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे उसको, एक एक लाइन एक एक वर्ड उसका समझ समझ के आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको समय देना है। दूसरी बात, आप अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च फुल फ्लेजेडली आप स्टार्ट कर दोगे, और आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो आपको बनाना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपके पास 2 रेफरेंस बुक होना चाहिए, और जब आप बोर्ड्स के लिए 2021 में अपियर करोगे तो ये दोनों बुक्स का हर एक क्वेश्चंस, इलास्ट्रेशन का क्वेश्चन हो चाहे अनसॉल्व क्वेश्चन हो, ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपका सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। और जिस नोटबुक में आप इसको सॉल्व करेंगे इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय ये बहुत ज्यादा काम देने वाला है आपको, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है, तो हर एक चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे, अकाउंटेंसी रटने की चीज नहीं होती है, वो प्योरली कंसेप्चुअल चीज होता है। हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई मीन टू से कि अगर आप कोई जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो ये जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, आखिर ये डेबिट क्यों हुआ, आखिर ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, और ये हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर में आपको जर्नल करना है, हर एक चैप्टर में आपको लेजर करना है, तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी स्टडी, जब भी आप अकाउंटेंसी स्टडी करेंगे, जब भी आप अकाउंटेंसी की पढ़ाई करेंगे, तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स आपके पास मौजूद नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन द सेंस, ना आप ऐसी किसी जगह में आप पढ़ाई नहीं करेंगे जहां पे टेलीविजन चल रहा हो, ऐसी किसी जगह में पढ़ाई नहीं करेंगे जहां बहुत शोरगुल हो रहा हो, ऐसी जब जहां पे भी आप पढ़ाई करेंगे वहां मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए जब आप अकाउंटेंसी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। फिर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यानी जब आप एक चैप्टर पूरा बना लेते हो, मैंने पहले ही आपसे कहा है एटलीस्ट आपको 2 रेफरेंस बुक तो सॉल्व करना ही है,
जब भी आप एक चैप्टर को फिनिश करते हो उसके बाद खुद से आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करो और खुद से उस क्वेश्चंस का आंसर दो और फिर जो है आप उसको खुद से चेक करो कि आप कहां पे गलती कर रहे हो। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप अपने ट्यूटर से या फिर किसी सीनियर से कहो कि क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करें और फिर आप उसका सॉल्यूशन लें और उनसे आप वो चेक कराएं, ठीक है। तो इससे आप सेल्फ असेस कर पाओगे कि आप कहां पे गलती कर रहे हो। और खास करके आप जब भी क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट करोगे तो आप पिछले 2-3 साल के पेपर में देखोगे कि किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है और उसी तरह का क्वेश्चन आप कोशिश करोगे सॉल्व करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूं कि देखिए, ये बहुत जरूरी होता है, जब आप सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप चैप्टर नंबर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग से चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आप क्या करोगे, इसका एक बहुत आसान तरीका है, जब आप चैप्टर 2 सॉल्व कर रहे हो तो हर रोज ये आदत बना लो कि चैप्टर 1 से भी एक एक क्वेश्चंस मैं हर रोज बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि चैप्टर 1 जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा और चैप्टर 2 तो आप बना ही रहे। उसी तरह से जब आप चैप्टर 3 में चले जाएंगे तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन तो आप बनाएंगे ही, लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी एक एक क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे। सिमिलरली जब आप चैप्टर 5 में जाएंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 का एक एक क्वेश्चन आप जरूर बनाएं। तो इससे आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 यानी प्रीवियस चैप्टर्स जो हो चुका है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड एट लास्ट मैं आपसे यही कहूंगा कि अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना है तो प्रोडक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव स्टडी इन द सेंस कि आपको प्रिपरेशन जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यानी मार्च के महीने से ही स्टार्ट कर देना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो बिना किसी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के आप पढ़ाई करेंगे, ऐसी कोई भी एलिमेंट्स आसपास नहीं रखना है जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो जाए, और हमेशा कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। हर एक चैप्टर का कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, और मैंने क्या कहा, हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आपके पास एटलीस्ट 2 टेक्स्ट बुक्स होना है और थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का जो थियरी पार्ट है उसको आप एक एक वर्ड एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर जो आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर देंगे, अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप टीचर्स की मदद लेंगे। तो अगर आप, मुझे पूरा यकीन है, अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अबव 95% मार्क्स तो अकाउंट्स में जरूर आएगा।